श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आप सभी लोग जानते हैं प्रत्येक वर्ष श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इस बार श्रावण पूर्णिमा तिथि दो दिन यानी कि 30 अगस्त और 31 अगस्त को पड़ रही है। साथ ही श्रावण पूर्णिमा तिथि पर भद्रा का साया भी रहेगा, तो ऐसे में बहुत से लोगों के मन में संशय है कि राखी किस दिन बांधे, 30 अगस्त के दिन या फिर 31 अगस्त के दिन। तो आज की इस छोटी सी वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपके मन में जो भी प्रश्न है, जो भी संशय है, इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से पूरे दूर हो जाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि है, ये 30 अगस्त को सुबह 10:58 से आरंभ हो जाएगी, जो कि 31 अगस्त को सुबह 7:46 तक रहेगी। लेकिन 30 अगस्त को जैसे ही पूर्णिमा तिथि का आरंभ होगा, साथ ही भद्रा काल का समय भी आरंभ हो जाएगा, यानी कि भद्रा लग जाएगी 10:58 से रात 9:01 तक, यानी कि 30 अगस्त को पूरा दिन भद्रा का समय रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कभी भी रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा का साया रहने पर नहीं मनाया जाता। भद्रा काल में बहनों को भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधनी चाहिए। इस दौरान ना तो कोई शुभ कार्य किया जाता है और ना ही राखी का त्योहार मनाया जाता है। तो हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार जो पूर्णिमा तिथि है, ये 30 अगस्त को सुबह 11:00 से शुरू हो जाएगी और इसका समापन 31 अगस्त को सुबह 7:07 तक रहेगा। तो पूर्णिमा तिथि जो है वो दो दिन होने की वजह से रक्षाबंधन का पर्व भी आप दो दिन मना सकते हैं। जो लोग 30 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहते हैं, तो वो 10:58 से पहले पहले आप राखी जो है वो आप बांध सकते हो, नहीं तो रात को 9:02 के बाद भद्रा का समय जो है वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद भी आप 12:00 तक राखी का त्योहार मना सकते हो। लेकिन कुछ लोग जो हैं रात को राखी बांधना शुभ नहीं मानते हैं, तो ऐसे में उदय तिथि 31 अगस्त को होने के कारण 31 अगस्त का पूरा दिन जो है वो शुभ रहेगा। 31 अगस्त को आप कभी भी आप जो है रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हो। लेकिन अगर आपको 30 तारीख को राखी बांधनी है, तो सुबह 10:58 से पहले पहले आप राखी बांध सकते हो, नहीं तो 31 अगस्त पूरा दिन आप राखी का त्योहार मना सकते हो। इसके लिए शुभ रहेगा, कोई भी आप मन में संशय ना रखें और 31 अगस्त को पूरा दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाएं। भद्रा काल में राखी बांधने पर परहेज करें, राखी ना बांधें, क्योंकि भद्रा काल में ना तो कोई शुभ कार्य किया जाता है, ना राखी बांधी जाती है। तो ऐसे में भद्रा काल में रक्षाबंधन करना वर्जित माना गया है, तो आप 31 अगस्त पूरा दिन राखी बांधे और अपने भाई की लंबी उम्र के लिए, उसके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करें। तो इस वीडियो को देखकर आपके मन के सारे संशय दूर हो गए होंगे। फिर भी मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। जय मां लक्ष्मी।